40 लाख 54 हजार लोगों को राशन किट वितरित किए गए। बानवे लाख 44 हजार लोगों को मास्क वितरित किए गए और 8 लाख 50 हजार अधिक मास्क महिलाओं के द्वारा बनाया गया। 2 करोड़ से अधिक लोगों को आरोग्य सेतु ऐप से इंस्टॉल किया कराया गया। पीएम केयर फंड के लिए कार्यकर्ताओं ने पुष्पा देवी से संपर्क किया, अपने जीवन की पूरी कमाई आदरणीय योगी जी को 1 करोड़ पीएम केयर फंड के लिए और 10 लाख सरकार के लिए उत्तर प्रदेश के लिए समर्पित कर दिया। ये पुष्पा देवी हम सबके लिए एक उदाहरण है। 92,745 बूथों पर स्वास्थ्य स्वच्छता सुरक्षा के लिए लगे 2,35,000 कोरोना योद्धाओं को सम्मानित किया गया। जब हेलीकॉप्टर से पुष्प की वर्षा हो रही थी तो उत्तर प्रदेश के डॉक्टरों को आंसू निकल गया। आदरणीय मोदी जी को लोग बधाई दे रहे थे। डिजिटल गतिविधियां राज्य के अंदर बूथ और बूथ प्रभारियों से लगभग 297 377 ऑडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से 1,54,683 कार्यकर्ता जुड़े। एक ग्रामीण परिवेश के रहने वाले 75 वर्षीय त्रिवेणी राम जी जैसे लोग भी डिजिटल फ्रेंडली हुए। जब इनसे पूछा मैं कि आप अपनी मोदी जी के बारे में क्या सोचते हैं, बोले कि प्रेरणा से उनके मेरे पास जो भी बना वह गांव में मैं लोगों को भोजन के लिए बाकी लोगों के लिए व्यवस्था किया और मोदी जी एक अवतारी पुरुष है, मेरा गांव बच गया, मेरा गरीब बच गया और देश बच गया। भाजपा के स्थापना दिवस पूज्य बाबा भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर बूथ से लेकर मुख्यमंत्री तक सभी कार्यकर्ताओं ने सेवा बस्ती में भोजन और राशन वितरण करने का काम किया है। आम नागरिकों पर जो गतिविधियों का प्रभाव हुआ, भाजपा के सेवा कार्यों से प्रेरित होकर अनेक सामाजिक संगठनों ने राहत कार्य शुरू किया। महिला मोर्चा द्वारा मास्क बनाकर गरीबों के बीच में बांटे गए। पार्टी के आग्रह पर राधा स्वामी सत्संग श्रीमती सुचिता जान जी और अलीगढ़ के डॉक्टर वैभव वासणे ने ऐसे सैकड़ों उदाहरण प्रदेश में देखने को मिले जो गरीबों के लिए समर्पित होकर जो उनसे बना, चाहे हॉस्पिटल चाहे फीस माफी का, सभी ने व्यवस्था किया। सोशल मीडिया क्षेत्रवार फेड द निडी के नाम से व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया, जिसके माध्यम से किए जा रहे सेवा कार्यों को सोशल मीडिया में चलाकर समाज को प्रेरित किया और केंद्र और राज्य सरकार के महत्वपूर्ण निर्देशों के एवं प्रयासों को जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया गया। कार्यकर्ताओं का अनुभव, भाजपा के कार्यकर्ताओं ने कोई थाली रहे न खाली के मंत्र पर कार्य करते हुए सुदूर ग्रामीण अंचलों तक राशन भोजन सहायता पहुंचाने का कार्य किया। चित्रकूट विधानसभा में जो करवी मंडल पहाड़ी क्षेत्र में आता है, जहां आदिवासी बनवासी गिरवासियों के बीच में श्री ममता सिंह ने मास्क बनाकर वहां वितरण करने का काम सभी के घरों में किया। प्रयागराज महानगर के कार्यकर्ता, बाराबंकी के, सुल्तानपुर के कार्यकर्ता, हमारे वाराणसी के, बुलंदशहर अलीगढ़ के कार्यकर्ताओं ने, अनेक लाभार्थियों ने जो अपना अनुभव बताया कि माननीय नरेंद्र मोदी जी, माननीय योगी जी के भाजपा सरकार और संगठन के द्वारा निरंतर किए गए सेवा प्रयासों की सराहना की और ये कहा कि आप न होते तब पता नहीं हमारा इस महामारी में क्या होता। औरंगाबाद का अंबेडकर नगर से लौटे श्रमिक जितेंद्र कुमार ने आदरणीय प्रधानमंत्री के बधाई दिया और आभार जताया। प्रवासी, जब राजस्थान की सरकार, दिल्ली की सरकार, महाराष्ट्र की सरकार ने कि उपेक्षा के कारण प्रवासी मजदूर नोएडा के बॉर्डर पर, झांसी के बॉर्डर पर और मथुरा आगरा के बॉर्डर पर
जब लाखों श्रमिक आए तो वहां के कार्यकर्ताओं ने लगभग 50 से 70 दिनों तक अपना किचन चलाया और 5000 से लेकर 50000 तक भोजन की व्यवस्था लोकल कार्यकर्ताओं ने किया और गरीब से गरीब कार्यकर्ताओं ने भोजनालय में 5 किलो आलू 2 किलो आटा जो भी बना रोज देने जाते थे और प्रवासी श्रमिकों के लिए 185 स्थानों पर 10,33,000 और श्रमिकों को मास वितरण 2 लाख श्रमिकों को ऐसे पादुका 47,000 व्यवस्था कार्यकर्ताओं ने किया। एक केरल का उदाहरण है, अपने गोरखपुर के निवासी उमेश कनौजिया जी केरल में थे, फंसे हुए थे कोरोना संक्रमण के कारण। वह 6 महीना से वहां नौकरी कर रहे फंस गए थे, अपने माता पिता अपने पत्नी और बच्चों के बारे में सोच रहे थे कैसे पहुंचेंगे। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आदरणीय योगी जी के कारण ट्रेन से 1 रुपया शुल्क नहीं लगा लखनऊ आए, फिर रोडवेज के बसेस बस से घर तक पहुंचाया गया और रास्ते में कार्यकर्ता सरकार के द्वारा उनको भोजन की व्यवस्था की गई। मीडिया को भी बहुत बधाई देता हूं कि संगठन और सरकार की अपने 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 प्रेस में अपने पत्र में स्थान दिया, इसलिए मैं हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं। सेवा कार्य में जो अनुभव आया है, जैसे जहां पार्टी के कार्यकर्ता संपर्क अपना बढ़ाए हैं, जैसे मजदूर हैं, रेहड़ी हैं, ठेला वाले, विभिन्न क्षेत्रों के श्रमिक वर्ग, राहत सामग्री में भोजन पैकेट, राशन, अन्य सामग्री वितरण का कार्य भाजपा द्वारा किया गया जिसका समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। आम जन की धारणा भाजपा नेतृत्व के प्रति अच्छी बनी है। लॉकडाउन के दौरान मंडल के कार्यकर्ता डिजिटल फ्रेंडली हो गए हैं, अब मंडल बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंस से हो रही है। सेवा कार्य में अन्य सामाजिक संगठन से भी व्यापक संपर्क हुआ है। भाजपा के कार्यों ने यह सिद्ध किया है कि राजनीति एक सेवा कार्य है। जब उत्तर में राजनीतिक पार्टी अपनी रोटियां सेक रहे थे उस समय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता रात दिन सेवा में अपने को समर्पित कर दिए थे। ऐसे देह तुल कार्यकर्ताओं को उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ताओं को मैं नमन करता हूं और आप सभी मुख्य अतिथि को भी नमन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। उत्तर प्रदेश